पिछले दो दिन से जोधपुर के अंदर इतनी सर्दी बढ़ गई है कि ये कश्मीर वाला जैकेट लगा के घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तीन दिन हो गए हैं, घर से भी बाहर नहीं निकला और बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का। इतनी ठंड हो गई भाई, ठंड तो सहन होती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर बनाने जाऊँ, कोई वीडियो बनाने जाऊँ यहाँ पे, लेकिन मन ही नहीं कर रहा। अब शाम के 4 बजने लग रहे हैं तो बैठा बैठा कुछ कोई काम नहीं था घर के अंदर। ठीक है, बैठा था ऊपर छत पर बैठ गया, सन बात ले रहा था। ठीक है, तो फिर मम्मी जी से बोला, मैंने कहा क्या करूं, मेरा को मन ही नहीं लग रहा है घर के अंदर। तीन दिन हो गया यार, इतना दिमाग खराब है कि हालत ही खराब हो गई। मतलब कोई दिमाग नहीं चल रहा है, बस यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख रहा हूँ, कभी फेसबुक चला रहा हूँ, कभी सॉन्ग सुन रहा हूँ, कोई मतलब मन ही नहीं लग रहा है। और अभी बस बैठ बैठे मन किया कि क्या करूं, तो जोधपुर की सड़कों के ऊपर निकल गया हूं और पैदल पैदल चल रहा हूं। अपने घर से 3 किलोमीटर लगभग पड़ता है मंडोर गार्डन। कभी आप जोधपुर घूमने आए हैं तो मंडोर गार्डन तो आपको आना ही पड़ेगा, तो अपने घर के पास ही है मंडोर गार्डन। यार मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं, लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं ना, 2-3 बाइक वाले और मतलब यार मैं मतलब ऐसे व्लॉग शूट कर रहा हूं तो यार हंसने वाली चीज है यार, मैं जोकर लग रहा हूं क्या यार, ऐसे कुछ हंसते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या यार, कुछ पास में रोक के पूछ लेते कौन हो क्या हो ये क्या ऐसे बना रहे हो, पूछ लेते तो कुछ समझ में आता है ना। यार हंस लेते हैं लोग, बेइज्जती हो जाती है। इतना भी गंदा थोड़ी हो। ये इधर पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर। तो जो भी राजस्थान पुलिस के अंदर भर्ती होते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। ठीक है ना, जिनका जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर नंबर आता है वो ट्रेनिंग यहाँ होती है। तो ये देखिए भाई, अपने जोधपुर का BSF गेट आप देख सकते हैं, ये वाला। और एक इधर ये भी बोर्ड है यहाँ पर लगाया हुआ है, सेना का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना भाई। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आगे आया भाई बालसमंद चौराया, और ये इधर पूरा BSF का एरिया है पूरा बालसमंद। ये इधर आगे घोड़ा घाटी की साइड जाएगा मार्ग है ना। तो भाई आज की जर्नी अपने 3 किलोमीटर पैदल पैदल ही चलेंगे मंडोर गार्डन की तरफ, वहाँ पे पानीपुरी वगैरह खाएंगे। और ये आगे सिटी बस यहाँ पर अपने जोधपुर की। ये भाई साहब कुछ झाड़ू वगैरह बेच रहे हैं इधर सड़क के किनारे। घर से जब मैं बाहर निकला था तो इतनी ठंड लग रही थी, ये कश्मीर वाला जैकेट लगा दिया। और फिर अभी 1 किलोमीटर चला हूँ तो अंदर है ना, शरीर पूरा हो गया पानी पानी पूरा एकदम। यार शरीर में इतनी गर्मी है क्या, मालूम ही नहीं मेरे को तो अभी पता चला पूरा मतलब पानी पानी हो गया शरीर। अब ऐसा लग रहा है कि ये जैकेट उतार दूँ, लेकिन उतार के अब रखूँ भी कहाँ। लेकिन अभी 2 किलोमीटर और बचे हुए हैं, थोड़ा अब है ना दिमाग हल्का हो गया। अब मैं थोड़ा बहुत आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ ना, तो भी ऐसे मन में शांति लग रही है। ये देखिए, ये इधर ये सुविधा किसी ने भी अगर की है उसका भाई दिल से धन्यवाद, जनहित में समर्पित सौजन्य भाई आपका बहुत बहुत भगवान भला करे यार। आम जन जब इस प्रकार की कुर्सी पर बैठ के आराम करे ना, तो जिसने भी किसी ने भी रखी है उसको भाई बहुत बड़ा पुण्य हो। ये आ गया भाई मंडोर गार्डन, ये सामने है मंडोर गार्डन। और ये इधर जो सड़क है ना मगजी घाटी की तरफ जाती है, यहाँ पर अपना पानीपुरी वाला वहाँ खड़ा रहता है ना। पैसा आया ही नहीं अभी तक तो यार, आने में पूरे 35 मिनट लगे मुझे पैदल पैदल, और अभी तक वो पानीपुरी वाला आया ही नहीं है यार, है ना। इधर एक इसका भाई खड़ा है, इसको पूछते हैं, लोल भाई नहीं पानी पूरी वाला नहीं, इसको पूछते हैं वो कब आएगा। पता नहीं ये दोनों एक ही माल बनाते हैं, मतलब एक ही घर के अंदर माल बनाते हैं फिर अलग अलग करके लाते हैं, लेकिन इस ठेले के ऊपर मेरे को स्वाद नहीं आता और उसी के ऊपर स्वाद आता है। इसको पूछता हूँ एक मिनट, अरे वो आपने उधर वाला ठेला कब आएगा, तो कितने बजे आता है, 4:30 आएगा ये लो यार। ये बोल रहा है 4:30 आएगा, अभी कितनी 4:10 हुए हैं, मतलब 35 मिनट लगे। इसका मतलब मैं घर से 3:30 बजे निकला था, लगभग 35-40 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पहुँचने में। तो भाई और इधर ये पीछे मंडोर गार्डन है ना, वो मंडोर चौराया है। तो भाई आज भाई 3 किलोमीटर पैदल आए गए। अरे ऐसे कोई धोखा करता है यार, इतना नन्ना मुन्ना बच्चा जब पैदल चल के आया है घर से 3 किलोमीटर तो आए ही नहीं। मेरे सामने एक आदमी देख के क्या क्या ये पागल हो गया, मैंने कहा ये मेरा फेवरेट पानीपुरी वाला आया ही नहीं अभी तक। एंट्री कर ली है भाई मंडोर गार्डन के अंदर, और फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज है 1 जनवरी 2023। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए शहर की पूरी लगभग पब्लिक मंडोर गार्डन में आ चुकी है। ये देखिए पार्किंग की तक व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लोगों के लिए जगह भी नहीं है। देखो पूरी पार्किंग इधर भी फुल है, इधर भी फुल है, दोनों तरफ पार्किंग फुल है। और इतने सारे कपल और फैमिली वगैरह सा यहाँ पर आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो आपको भी भाई हैप्पी न्यू ईयर 2023 एक तरीके आज। और मैं भी घर में बोर हो रहा था तो ठीक है, अच्छा नजर देखने को मिला यार, अंदर चलते हैं, बहुत सारी आपको भीड़ देखने को मिलेगी और अच्छे अच्छे नजारे आपको दिखाता हूं। देखिए खतरनाक भीड़ देखने को मिली भाई, मैं तो मंडोर गार्डन में यहाँ पर आज पहली बार इतनी सारी भीड़ देखी। ठीक है,
या फिर जब हमारे जोधपुर शहर के अंदर जो परिक्रमा होती है ना, जो 3 साल में एक बार होती है, उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यू ईयर के टाइम भाई बहुत ज़्यादा भीड़, आज कितना रश है आस पास ये देख सकते हैं, लग जाती क्या एकदम छोटा नीचे हो गया, मेरा हाथ अड़ जाता उसके। ये देखो भाई अपना है मंडोर गार्डन जोधपुर का, कितना सुंदर है। और यहाँ पर हम साथ साथ है, तेरे नाम वगैरह बहुत सारी यहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है। ये जो मेरे पीछे आप जो ये छतरियाँ देख रहे हो ना, ये छतरियाँ यहाँ पर सलमान खान वगैरह, ये तेरे नाम वगैरह की बहुत सारी यहाँ पर शूटिंग्स की थी। शूटिंग्स लोकेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, शूटिंग लोकेशन जो कवर करते हैं यूट्यूबर, उनके चैनल पर आप देखना, ये मंडोर की छतरियाँ जो है शूटिंग लोकेशन बहुत सारी कवर कर रखी है। तो यहाँ पर ये सॉन्ग शूट होते थे यहाँ पर, है ना। एक दो बार मैं भी जब बचपन के अंदर था, यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, सलमान खान वगैरह आए हुए थे, तो हम घर से चला के साइकिल लेके आए थे यहाँ पर शूटिंग लोकेशन देखने के लिए। तब बचपन का वो दिन याद है। और जब भी मैं यहाँ पर मंडोर घूमने आता हूँ ना, तो हम बचपन के बहुत सारे दिन याद आते हैं। यहाँ यहीं खेलते थे हम लोग, है ना। यहाँ से 3 किलोमीटर पर ही तो अपना घर है, ये देखिए, ये है पूरी यहाँ पर ये शूटिंग लोकेशन है। यहाँ पर बहुत सारी अपने बॉलीवुड की मूवी जो है उनकी शूटिंग हो रखी है। पानीपुरी के लिए 3 किलोमीटर पैदल चला हूँ, आज गाड़ी थी नहीं, घर से पैदल ही आया हूँ। दोस्तों फाइनली मैं अपनी फेवरेट पानीपुरी के ठेले पे आ चुका हूँ, और इस पानीपुरी को खाने के लिए 3 किलोमीटर स्ट्रगल करना पड़ा। और मैं कितने बजे आया पता है, मैं 4 बजे लगभग आ गया था, उनको पूछा आधा घंटा लगेगा, तब अंदर मंडोर गार्डन में हम घूमने चले गए। अभी घर आज पूरा 3 किलोमीटर पैदल आया हूँ, गाड़ी भी नहीं है। तो अब खाएंगे पानी पूरी, अपनी फेवरेट पानी पूरी, मज़ा आ जाएगा, मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों, देखिए। ये है भाई पूरे इंडिया की नंबर 1 पानी पूरी यात्रा गुरुजी की तरफ से, मतलब ये सजेस्टेड कर रहा हूँ। बाकी आपको कहाँ की अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। फाइनली अब मिलेगी अपने को पानी पूरी, जो अपनी फेवरेट पानी पूरी है दोस्तों। और अब शानदार पानी पूरी की पार्टी हम इंजॉय करने वाले हैं, शानदार वाली। मतलब मैं दोस्तों कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रैवल किया, जगह जगह की घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट की पानी पूरियाँ खाई, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगी। अब भाई पता नहीं इसमें क्या डालता है। अब इनके हाथों का जो स्वाद है ना, वो भाई साहब बेहतरीन, पूरे जोधपुर में क्या पूरे मतलब पूरे इंडिया में मेरे को तो इससे अच्छी पानी पूरी कहीं लगी नहीं। अब वो अपना अपना स्वाद है भाई, अपने अपने जीभ के मज़े हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो फिलहाल अभी मज़े लेते हैं पानी पूरी के। यार तर तर भीड़ बढ़ती जा रही है, मेरी बारी नहीं आ रही। अब कब बारी आएगी, कब मैं मेरी फेवरेट पानी पूरी मैं मेरे मुंह में डालूंगा यार। पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ, मेरे से जरा ही नहीं जा रहा। दोस्तों अपनी आ चुकी है पानी पूरी, और फेवरेट अब पानी पूरी हम खाने वाले हैं, और शानदार। आपके मुंह में पानी आ रहा है, देखते हैं पानी आ रहा है ना, मजा आ गया। देखो अब आप तो देखो घर पे बैठे बैठे सिर पे मुंह में पानी ला सकते हो, लेकिन मैं खा रहा हूँ पानी पूरी। आपके मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा रहा हूँ पानी पूरी। क्या ही मस्त स्वाद है, एकदम शानदार। घूमते घूमते दोस्तों रात हो गई है, और कुछ फ्रेंड लोग मिल गए थे, तो उनके साथ में एंजॉय कर लिया था थोड़ा बहुत, और काफ़ी सारा नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब खाना भी नहीं खा पाएंगे बहुत सारा, मतलब आज को न्यू ईयर का मैंने भी काफ़ी एंजॉय कर लिया, कल से भी मैं ही ऐसे ही बैठा था घर के अंदर, बोर ही बैठे थे, तो अब ठीक है, मज़ा आ गया। और उम्मीद करूँगा आपने भी ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। और अगर आप पहली बार अपने चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाले बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे अपने यात्रा गुरु जी चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू दोस्तों।